हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा, आज मैं 10th क्लास में ये बताना चाहूँगी कि आज का हमारा क्या टॉपिक है और जो है कल मैंने आपको क्या करा था। कल जो है मैंने आपको 10th क्लास में कृतिका में जो है लेसन 3 का सार बता रही थी, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उससे आगे आज का जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो है मधुर कांकरिया का। धीरे धीरे रास्ता वीरान और जो है घुमावदार होने लगा था। तब हिमालय काफी विशालकाय नजर आ रहा था, यानी कि जो हिमालय है वो काफी विशाल, यानी कि बहुत बड़ा, विशाल यानी कि बहुत बड़ा जो है नजर आ रहा था। तो इसमें जो है घटाएं घिर गई थी, क्या हो गई थी, घटाएं जो है घिर रही थी और वादियां चौड़ी होती जा रही थी। तो वहाँ की जो वादियाँ हैं वो चौड़ी होती जा रही थी और बीच बीच में जो हैं, क्या बेटा, बीच बीच में जो हैं घुमावदार रास्ता आ रहा था, बार बार क्या आ रहा था, घुमावदार।
वादियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है इसमें वादियाँ यानी के वादियों का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा पर्वतों का बीच का जो विस्तृत भाग होता है ना, जहाँ जल धाराएँ क्या होती है, जहाँ पर जल धाराएँ बहती हैं। वादियाँ कौन सी होती हैं? जैसे ही वो धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, यानी कि घुमावदार रास्ता होते ही हिमालय काफ़ी विशाल काय हुआ और जिसमें जो है गटाई गिर गई थी और वादियाँ चौड़ी होती जा रही थी। वादियाँ का तात्पर्य यह है, वादियाँ जो है पर्वत के बीच से निकलने वाला एक विस्तृत बहुत बड़ा भाग होता है जहाँ जल धाराएँ बहती हैं, उन्हें जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम वादिया की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? वादिया की संज्ञा जो है देते हैं। तो बीच बीच में देख रही थी लेखिका कि जो है बीच बीच में जो है फूलों के बगीचे और जो है क्यारियाँ भी आ रही थी, यानी कि ऐसे मौसम में फूलों का भी उन्हें बहुत ही आकर्षक रूप वहाँ पर देखने को मिला। और जो है यात्री वहाँ से जो यात्री थे वो यात्रा कर रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, तो उनको वो मौसम जो है बहुत ही अच्छा लगा था। वादियों से क्या थे? बर्फ़ की पड़ने वाली तेज धारा जिससे बहती है वादियाँ, है और उसके आप देखोगे आसपास रंग बिरंगे फूल तो कैसा लगेगा, बड़ा ही सुहाना लगेगा ना। तो वहाँ के जो मुसाफिर थे, वहाँ से जो गुजरने वाले मुसाफिर थे, तो वे इस मौसम को देखकर एक गाना गाने लगे, कौन सा सुहाना सफर ये मौसम हसी। तो उन्होंने जो है ये गाना गाया क्योंकि उनका जो है मंत्र मुग्ध हो गए थे बर्फ से, बीच से पड़ती धाराएं और बर्फीला, और जो है हिमालय ने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी थी। इस तरीके से वो मन जो है उनका पुलकित हो गया, हर्षित हो गया और जो है उन्होंने गाया सुहान सफर मौसम हसी। तो उनके मुँह से जो है ये गाना गाने लगे, कौन? वहाँ के जो सैलानी थे, सैलानियों ने गा, ठीक है। तो लेखिका भी जो है शांत थी और वह सारे परिदृश्य को जो है अपने मन में समेट लेना चाहती थी। जो वहाँ का नज़ारा था लेखिका, उस सारे दृश्य को जो है अपने अंदर जो है स्मृति बनाकर रखना चाहती थी, इतना अच्छा वो दृश्य था। तो जो है लेखिका उस दृश्य को जो है स्मृति के रूप में, कैसे, किसके रूप में? स्मृति के रूप में जो है उस परिदृश्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। जीप की खिड़की से जो सिर निकाल कभी पर्वतों की चोटी को देखती और कभी जो है पहाड़ी झरनों को और कभी तीस्ता नदी को, वहाँ से जो है बेटा एक तीस्ता नदी भी निकल रही थी। हिमालय की प्राकृतिक छटा को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई थी। किसकी? हिमालय की प्राकृतिक छटा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कभी वो हरे रंग की चादर ओढ़े नजर आता था हिमालय, और कभी जो है वो श्वेत रंग की चादर ओढ़े हुए नजर आता था। तो इस दृश्य को देखकर कौन मंत्रमुग्ध को नहीं होता, और जो है वह मेरे नागपति मेरे विशाल हिमालय को जो है प्रणाम करना चाहती थी। हिमालय को क्या कहा लेखिका ने? मेरे नागपति। किसने कहा? लेखिका ने कहा। किसको कहा? हिमालय को कहा। क्या संज्ञा दी? हे मेरे नागपति, हे मेरे हिमालय का है, हिमालय का है। तो ये संज्ञा देते हुए लेखिका मधुकंकरिया ने जो है हिमालय को प्रणाम किया, हे मेरे नागपति। ये क्वेश्चन आता है बेटा, सुन, क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है कि लेखिका ने जो है हिमालय को किस रूप में माना और क्या कहते उच्चारण किया। तो मेरे, हे मेरे नागपति, हे मेरे हिमालय, हिमालय का है, ये कहकर जो है उसको संबोधित किया है। किसको? हिमालय को। ये लेखिका कहती है। लेखिका कौन है इसमें? देखो मैं बार बार बता रही हूँ, नाम याद होना चाहिए, मधु कांकरिया। तो हिमालय को जो है मधु कांकरिया ने इन दो नामों से जो है पुकारा है और उनको जो है ये संज्ञा
दी है मेरे नाम पति और विशाल हिमालय को प्रणाम करना चाहती थी। इसी बीच जो है उसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखाई दिया। सेवन सिस्टर फॉल यानी कि जो है वो बर्फ पड़ी हुई थी, उसमें बहुत सारे बर्फ, तो उसको जो है ये कहा गया है सेवन सिस्टर फॉल। तो बर्फ पड़ी हुई थी उसके कारण उसको सेवन सिस्टर फॉल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि बर्फ की जो है वहाँ पर चादर सी बिछी हुई थी। क्या बिछी हुई थी? यानी कि वहाँ पर जो है उस पर एक प्रकार की चादर बर्फ की बिछी हुई थी। फॉल, फॉल यानी कि बर्फ। तो इस तरीके से जो है लेखिका फिर आगे बढ़ती जाती है। तो सभी सैलानियों ने उसके चित्र लिए। सैलानी यानी कि वे मुसाफिर, घूमने वाले, वो भ्रमण करने वाले विशाल हिमालय का सैलानी। तो यानी कि जो है सैलानियों ने उनके चित्र भी लिए। लेखिका स्वयं को प्राचीन काल की शापग्रस्त राजकुमारी समझ रही थी कि जो ये प्राचीन काल है इसकी मैं कोई एक राजकुमारी हूँ। कौन समझ रही थी? माधुरी कंकर, मधु कंकरिया। तो वो अपने आप को जो है एक राजकुमारी समझ रही थी। वह झरने के संगीत के साथ साथ अपनी आत्मा को भी संगीत सुनने लगी, यानी कि अपनी आत्मा जो उसके अंदर जो चल रहा था आत्मा का भी, यानी कि जो झरने का संगीत बह रहा था सें 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 की आवाज़ में, तो उसने लेखिका ने अपनी आत्मा का संगीत भी जो है सुनने लगी फिर, और उसका मन जो है काव्य में हो उठा। काव्य में यानी कि काव्य की पंक्ति को गाने के लिए काव्य में हो उठा। झरने की जलधारा के जो है कारण उसके अंदर वो तामसिकता और जो है बुरी वासनाएं निर्मल धारा में बह गई। जो लेखिका के अंदर तामसिकता थी, बुरे विचार थे और बुरी वासनाएं थी, वो निर्मल धारा में बह गई। वे अनंत तक जो है झरने की पुकार का जो है झरने की पुकार को जो है वो सुनना चाहती थी। अंत तक यानी कि लास्ट तक झरने की पुकार को वो सुनना चाहती थी। तो इसमें जो है तब जितेन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। किसको? लेखिका को जो है जितेन ने फिर आगे बढ़ने के लिए कहा। और न चाहते हुए भी लेखिका पल पल उठकर आगे चल पड़ी। यानी कि जैसे सफ़र कर रहे थे वो थक जाने के कारण जो है, क्या कह रहा लेखक, वो आगे मतलब थके हुए होने के बाद भी तब भी जो है वो पल पल उठकर आगे चल पड़ी। और थोड़ी देर के बाद जो है पल पल परिवर्तन हिमालय की सुंदरताएं दिखाई देने लगी। पल पल जो है उनकी हिमालय की सुंदरता उनको दिखाई देने लगी थी। किसको? मधु कंकरिया को। लेखिका को पहली बार जो महसूस हुआ, क्या हुआ कि निरंतर चलते रहना ही जीवन का आनंद है। क्या हुआ उसको महसूस? यानी कि निरंतर चलते रहना ही जो है, तो इस प्रकार जितेन ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। तो इसमें जो है पल पल उठकर वे आगे चलने लगी और थोड़ी देर के बाद जो है पल पल परिवर्तन हिमालय की सुंदरता दिखाई देने लगी। कभी संपूर्ण सौंदर्य दिखाई दे रहा था तो कभी जो है उसके बादलों से ढका होता था हिमालय जो है, कभी बादलों से ढक जाता था और कभी जो है संपूर्ण यानी कि पूरा पूरी तरीके से उसका सौंदर्य दिखाई दे रहा था। लेखिका को लगा मानो प्रकृति उसे शानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। यानी कि लेखिका अपने मन में सोच रही थी कि उसको शानी बनाने के लिए जो है, शानी यानी कि समझदार बनाने के लिए हिमालय अपने जो है रहस्यों का उद्घाटन कर रहा है। क्या क्या रहस्य है हिमालय के? धीरे धीरे जब धुंध की जो है चादर हटी तो लेखिका ने पहाड़ के बीच झरनों, फूलों, क्योंकि सुबह शाम क्या होता था बेटा, वो बर्फीला जो है वहाँ पर
जगह थी बर्फीली, सुबह शाम बर्फ से ढकी होती था हिमालय, और जो है फिर उसमें जो है धुंध पड़ती थी वहाँ पर इस तरीके से। तो जो है जैसे जैसे धुंध वहाँ से हटने लगी तो पहाड़ के नीचे यानी कि झरनों, फूलों, घाटियों तथा वादियों के दुर्लभ नज़ारों को देखा। किसने? लेखिका ने जो है फिर इनके नज़ारों को देखा, दुर्लभ नज़ारों को देखा। वही कहीं जो है थिंक ग्रीन लिखा था, कहाँ? वहीं कहीं पर जो था क्या लिखा था? थिंक ग्रीन क्या लिखा था बेटा पहाड़ों पर? वहीं पर जो है कहीं पर क्या लिखा था? थिंक था, था थिंक और ग्रीन, ग्रीन हरा, यानी कि वहाँ पर जो है थिंक ग्रीन एक पहाड़ पर लिखा हुआ था। तो उसमें जो है फिर लेखिका ने देखा, क्या देखा कि जो है यहाँ पर थिंक ग्रीन लिखा है। प्राकृतिक छटा देखकर लेखिका सोचने लगी कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो जाता है, यानी कि एक पल में ही पूरे ब्रह्मांड में कितना कुछ बदल जाता है, यानी कि घटित हो जाता है। लगातार बहते झरने, प्रवाहित होती हुई तीस्ता नदी, और जो वहाँ पर थी बेटा तीस्ता नदी प्रवाहित हो रही थी, क्या हो रही थी वहाँ पर? तीस्ता नदी जो है प्रवाहित हो रही थी। तो उसका सुंदर वो भी बड़ा जो है बहुत ही सुंदर लग रही थी। कौन? तीस्ता नदी जो वहाँ पर बहती थी वो भी बड़ी ही मार्मिक नज़ारा उसका दिखाई दे रहा था। सामने उठती धुंध, आकाश में आवारा बादल, धीमी धीमी जो है हवा और फूल, सब कुछ वहाँ पर सुंदर लग रहे थे। तब लेखिका को पहली बार महसूस हुआ कि निरंतर चलते रहना ही जीवन का आनंद है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि हम जितना भी आगे बढ़ेंगे, जितना ही लगातार चलते जाएंगे, उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होती जाएगी। लेखिका प्रकृति के सौंदर्य में जो है आत्मसात होती जा रही थी, यानी कि उसमें जो है अपनी आत्मा को डुबोती जा रही थी। आत्मसात यानी कि आत्मा को उसमें लीन कर लेना, आत्मसात कर देना। तो ईश्वर के निकट है, प्रातःकाल सीखी गई प्रार्थना उसके होठों पर आ गई। जो वहाँ पर प्रातःकाल प्रार्थना बोली जाती थी तो वो जो है उसके होठों पर आ गई। तभी लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी में जो है पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो बड़े मेहनत वहाँ पर जो है बड़ी मेहनत करते हैं। तो वे जो हैं वहाँ पर बैठकर अपने पत्थर तोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे वहाँ पर? वे पहाड़ी ने जो है वहाँ पर पत्थर तोड़ रही थी, यानी कि बहुत ही परिश्रम करने वाली महिलाएं थी। तो उसमें जो है लेखिका ने देखा कि लेखिका जो है वहाँ पर पहाड़ी ने जो है क्या कर रही थी, पहाड़ों में रहने वाली पहाड़ी ने, यानी कि पत्थरों पर बैठकर एक पत्थर पर बैठकर जो है वहाँ पर पत्थर तोड़ रही थी। यानी कि उनके शरीर बड़े कोमल थे लेकिन वे कठोर परिश्रम कर रही थी। उन्होंने अपने बच्चे अपनी पीठ पर जो है लटकती हुई टोकरी में डाले हुए थे, और कुछ औरतें तो पूरी ताकत लगाकर जमीन पर जो है खुदाई कर रही थी। पर एक कर्मचारी से पूछने पर भी यह पता चला, क्या पता चला? कि इन पहाड़ियों के कारण पर्वतों के रास्ते बनाए गए हैं। बेटा कहने का तात्पर्य ये है, पहाड़ी इलाके में यानी कि हिमालय के रास्ते में जो है जो वहाँ पर पहाड़ी औरतें होती हैं तो वे ही वहाँ के पत्थर तोड़ती हैं और हिमालय के बीच से जो है रास्ता निकालते हैं। ये और एक आदमी ने तो वहाँ पर ये भी बताया कि इन पहाड़ियों के कारण, इन लेडीजों के कारण, इनके वैसे तो देखने में ये कोमल लगती है लेकिन इनके जो है ये परिश्रम बहुत ही कड़ा करती है, यानी कि इनके परिश्रम से ये हिमालय के बीच से ही रास्ता जाता है, इनके परिश्रम से, पहाड़ियों के परिश्रम से, क्योंकि वो पत्थर बीच बीच में से काट कर जो है रास्ता बनाती है। कौन? पहाड़ी ने जो
है वो वहाँ पर रास्ता बनाती है जिससे कि पहाड़ी में आगे जो है चले जाए। और अपने इतनी मेहनती होती है कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है टोकरी पीछे पीठ पर बनाए रखती है, उनको जो है पीठ पर बच्चों को टांगे रखती है और उन बच्चों को पीठ पर टोकरी टांग कर जो है अपना भी सारा कार्य करती है। और यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ते हैं यानी कि जो उनके बच्चे मेहनत करते हैं पढ़ते हैं तो वे भी यानी कि मैदानी क्षेत्र में जो है 3-4 किलोमीटर जाकर जो है 3-4 किलोमीटर जाकर एक अपने स्कूल में दो ही मैदानी क्षेत्र में जो है स्कूल होते हैं उनमें जो है वे जाते हैं और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर जो है अपने घर वापस आते हैं। जैसे ही वे थोड़ा उनको समय मिलता है उसके बाद वे अपने माता पिता के साथ हाथ बटाते हैं। क्या करते हैं यानी कि जैसे ही उनको स्कूल से आने के बाद समय मिलता है तो वो अपने माता पिता के साथ हाथ बटाते हैं स्कूल से आने के बाद इनके पहाड़ियों के बच्चे। ठीक है, तो कैसे हाथ बटाते हैं स्कूल से आकर, जैसे ईंधन के लिए लकड़ी तोड़ के लेके आना और छोटे बच्चों को रखना और माता पिता के साथ जो है हाथ बटाना घर में बाहर, तो इस तरीके के जो है वे बच्चे उनके लिए हाथ बटाते हैं कि उनके लिए पहाड़ियों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उनके बच्चे बड़े ही मेहनती होते हैं। और यहाँ तक कि जो है पहाड़ी पर्वतों के रास्ते बनाए गए हैं और जिन पर चलकर आप आगे बढ़ रहे हैं इन पहाड़ियों के कारण ही ये रास्ते बनाए गए हैं। लेकिन जितेंद्र ने कहा कि बड़ा कठिन काम है, जब जितेंद्र ने बताया कि थोड़ी सी चूक होने पर, क्योंकि जहाँ से उनकी जीप जा रही थी वो छोटे छोटे रास्ते, ज़्यादा चौड़ाई में रास्ते नहीं बनाए जाते थे, थोड़ी चौड़ाई में ही रास्ते बनाए जाते थे, तो जितेंद्र बताता है कि जैसे ही जरा सी चूक होने पर यानी कि काम करने वाले की जान भी जा सकती है जो वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाते हैं तब। लेकिन चूक होना मतलब जितेंद्र का कहने का तात्पर्य बेटा ये था कि जैसे पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी जीप टैक्सी चलती है तो जैसे कोई भी ड्राइवर जरा सा थोड़ा इधर उधर हो गया उसका हैंडल तो जरा सी चूक हुई और सीधी खाई तो यानी कि अगर गाड़ी पलट जाती है तो वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनकी भी जो है उनका भी काम तमाम हो जाएगा। तो जितेंद्र का कहने का तात्पर्य है कि जरा सी चूक होना यानी कि गाड़ी का थोड़ा बहुत नींद आ जाए, रात भर देर रात गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर तो नींद भी आ सकती है, झपकी भी आ सकती है, तो इस तरीके से जरा सी चूक होने पर गाड़ी सीधी खाई में गिर सकती है। तो इसलिए जितेंद्र ने कहा है कि जरा सी चूक हो गई जो है गाड़ी जो है सीधी खाई में जा सकती है। तो तब लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आया और आप जो है जानबूझ करके इन रास्तों पर बनाने में लोगों ने जो है मौत को झुटलाया है। अचानक लेखिका को जो है पलामू और तथा गुमला के जो है जंगली में पत्तों की जो है तलाश करने वाली युवतियों का ध्यान आया, जो जंगल में जो है उसके पत्ते पलामू और गुमला के जो है जंगली पत्तों को जो है वे तलाश करने वाली युवतियाँ यानी कि जिनकी जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है, तो जो अपने बच्चों को कपड़े के साथ पीठ पर बांध लेती हैं तब युवतियों के जो हैं फूले पांव व पहाड़ियों के जो है हाथों पर बड़े ठाड़ों यानी के बारे में सोचने लगी। यदि वे अपने बच्चों को कैसे लटका कर जो है पीठ पर बांध कर काम करती है, सुख चैन जो है एक तरफ है उनका तो दुख दर्द दूसरी तरफ है, आम लोगों की कहानी सर्वत्र एक जैसी है, जो आम लोग हैं उनकी कहानी जो है हमेशा एक जैसी होती है।
लेखिका को जो है उदास देखकर जितेन ने समझाया कि क्या समझाया जितेन ने लेखिका को कि इस देश की जो है आम जनता है जिसे हम कहीं भी देख सकते हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करके अपने पेट पूजन करती है, आप इनको नहीं पहाड़ों की जो है सुंदरता को देखो जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करने आई हैं। जितेन ने क्या कहा लेखिका को कि आप जो है इनको नहीं देखो, आप जो है पहाड़ों को देखो जिनके लिए आप इतना पैसा खर्च करके आई है। किसको कहते हैं लेखक जी, यानी कि जितेन नारगे जो ड्राइवर था एक गाइड भी था, तो वो लेखिका को मधुर कांकरिया को कहता है ये चीज़, ठीक है। तो अब लेखिका जो है मन ही मन सोचने लगी, क्या सोचने लगी कि आम जनता का नहीं बल्कि जीवन का संतुलन है, हमें जो है जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, कैसे इसका संतुलन बनाकर रखना चाहिए जो बहुत ही कम लेकर समाज को अधिक वापस कर देता है। तब लेखिका जीप की तरफ मुड़ने लगी और तब वे पहाड़ी ने किसी बात पर जो है पहाड़ी ने जो है किसी बात को लेकर समाज को अधिक वापस कर देता है, यानी कि कहने का तात्पर्य कि वो इतना जो है कमाती नहीं जितना वो वापस कर देती है इस समाज को। जब लेखिका जीप की तरफ मुड़कर उसने बात पर जो है खिलखिलाकर हंस पड़ी। कौन, पहाड़ी ने जो है, जैसे ही उनकी जीप मुड़ी तो वे पहाड़ी ने जो है खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो उसे जीवन लहराता हुआ नजर आया। ऊंचाई पर चढ़ते समय जो है जितेन ने लेखिका पर ये भी बताया है, लेखिका को जो है ये भी बताया कि हम प्रत्येक मोड़ पर हेयर मेन पेट लेंगे, क्या लेंगे, हेयर पिन बेंट लेंगे, यानी कि ऊंचाई पर तेजी से चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हेयर पिन बेंट से पहले एक पड़ाव था, हेयर पिंट बेल से पहले जो है एक पड़ाव था जहां 7-8 वर्ष के पहाड़ी बच्चे स्कूल में वापस जा रहे थे। कहां पर जा रहे थे, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो पहाड़ी बच्चे थे वे 2-3 किलोमीटर उतरकर जो है मैदानी क्षेत्रों में स्कूल में जाते हैं, हैं? तो इसमें जो है जितेन उसको हर तरीके से गाइड करता है लेखिका को, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, तो इस तरीके से। तो वापस जा रहे थे तो वे लिफ्ट, यानी कि तब जितेन ने बताया कि रोज़ बच्चे 3-3.5 किलोमीटर चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं। लेखिका द्वारा जो है स्कूली बस के बारे में पूछे जाने पर कि कोई स्कूल बस इनको लेने नहीं आती क्या, जितेन ने हंसकर कहा कि इन पहाड़ी इलाके में एक ही स्कूल है, उस एक ही इन पहाड़ी इलाके में जो है एक ही स्कूल है, उसने ये भी कहा कि ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त अपने माताओं के साथ यानी कि पशु भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ के भारी भारी गट्ठर लाते हैं। धीरे धीरे जो है खतरा बढ़ता जा रहा था और सड़क जो है बहुत ही संकरी होती, संकरी यानी कि शंख के आकार की होती जा रही थी। तो रास्ते पर जगह जगह चेतावनी लिखी हुई थी, थोड़ी दूर पर जो है ये चेतावनी दी गई थी कि यहाँ चारों ओर जो है नरभक्षी, जो नरभक्षी अर्थात नर को खाने वाले नरभक्षी हैं, और वहाँ चारों ओर जो है और नरभक्षी तो नहीं मिले पर लंबे लंबे बालों वाले याक, याक जानते हो ना, तो नरभक्षी तो नहीं मिले यानी कि लंबे लंबे बालों वाले जो है हमें क्या दिखाई दिए, याक अवश्य मिली। तो लेखिका को जो है जितेन ने ये बताया और लेखिका ने ये बताया कि हमें रास्ते में कौन मिले हैं। तो अभी भी ये जो है बेटा कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो है चैप्टर है। तो इसमें जो है मैंने आज यही बताया कि लेखिका जैसे हिमालय की संकरी स्थान पर जो है यात्रा कर रही थी और जो है हिमालय का जो गोलाई कार में गाड़ी चल रही थी, तो जितेन जो भी रास्ते में आता जा रहा था, जैसे पहाड़ी में आई उन्होंने पत्थर तोड़े, उनके बच्चे को दिखाई
पहले स्कूल के साथ साथ ही अपने माता पिता का हाथ भी बटाते हैं। और कैसे बटाते हैं, जैसे पशु चराना